You are my honey bun, sugar plum, pumpkin, pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake gumdrop, snickums, buckums. You are the apple of my eye. And I love you so, and I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. Aapne dekhi liya. Yes, we were at Emporium after 3 months. Gee, pure 3 months hum throughout ghar mein rahe. Bas Eid pe ek dusre ke ghar hi milne gaye. Aur safety ki wajah se hum logon ne avoid ki har public place. Lekin ab chunke kafi inhone safety measures kiye hue hain mall walon ne. Play areas band hain, food stations band hain, bas Carrefour ya cosmetic ki cheez shops ya boutiques wagaira open hain, wo bhi sirf 7 PM tak. To Manahil ki Eidi jama hui bhi thi and she was willing to buy all the items of her choice. To hum isko le gaye Carrefour, jaise hum chote hote Kuwait mein jaya karte the, sab cousins milke Jimia ya Carrefour apni Eidi kharch karne. Same usi tarah se Manahil ko bhi humne ye sara adventure karwaya. मैं actually इस तरह के show off नहीं record करना चाहती लेकिन बच्चे की खुशी की खातिर मैंने कहा चलो I will upload on my channel और ये baskets देख के I'm sure आप भी shocked हो गए होंगे Facebook baskets इनका नाम है anyways electronic items थोड़ी सी देखी यहाँ पे मनाहल ने शुरू कर दिया let's go because she was very excited to buy her things list इसने घर में खुद ही बना ली कि क्या लेना है and I was very happy to see her list और जो आस पास से गुजर रहे थे वो भी मनाहल को बहुत प्यार कर रहे थे कि कैसे बच्ची ने लिस्ट पकड़ी हुई है और कितने confidently अपनी मर्जी की चीज़ें ले रही है तो बच्चे तो अपनी मर्जी की चीज़ें ले रहे होते हैं लेकिन साथ मदर्स जो होती हैं वो अपने किचन के हवाले से भी साथ साथ चीज़ें देख रही होती हैं तो यहाँ पर मुझे अरेबिक स्पाइसिस नज़र आई वो भी मैं देख रही थी साथ इमली ले ली काला नमक आई लव इमली और बकरा ईद के हवाले से ये चीज़ें दो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं कचरी पाउडर और एक मीट टेंडराइज़र दोनों ही हेल्प करती हैं गोश्त को गलाने में फॉर एग्ज़ाम्पल रॉन स्टेक या टिक्के वगैरह तो इस तरह से मनाहल की शॉपिंग जारी थी साथ साथ मैं थोड़े से क्लिप्स इसके लेती रही इससे पहले मैंने इसकी कभी इस तरह से वीडियो नहीं बनाई लेकिन इट वॉज ईदी स्पेंड सो आई थॉट टू कैप्चर इट और कैटी चिन्स हमारे आजकल बहुत फेवरेट हैं जो बच्चों की चीज़ें फेवरेट हैं वही फिर पेरेंट्स की भी फेवरेट हो जाती हैं और कुछ मेरा कुवैत का बैकग्राउंड होने की वजह से मैंने काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई फैमिली में कि ये चीज़ टेस्टी है ये इस तरह से डिफरेंट है सो आई एम हैप्पी कि सबको पसंद आती हैं तो जिस तरह से ये किंडर एग्स हैं ये भी हम लोग बहुत खाया करते थे छोटे होते और सेम अब मनाहल याहिया को भी बहुत पसंद है और जब शॉपिंग करो और चॉकलेट्स ना हो ट्रॉली में तो हाउ इज़ इट पॉसिबल तो चॉकलेट्स हैं ट्रॉली की जान यस तो मुझे चॉकलेट्स की सबसे ज़्यादा खुशी होती है आई लव चॉकलेट्स ये COVID-19 से पहले हमारा थ्रू आउट 6 मंथ का स्टॉक कुवैत से आता था उसमें हर चीज़ होती थी चॉकलेट्स कॉस्मेटिक्स हेलो पेंडा एवरीथिंग लेकिन अब चूँकि ये सब कुछ बंद है हर तरह की फ़्लाइट्स वगैरह तो अभी हमारा सामान उधर ही है आई विश इंशाल्लाह जल्दी से आ जाए और साथ साथ मनाहल पढ़ती जा रही है कि क्या लेने वाला रह गया है और क्या ले लिया है और सेम हम इस तरह स्ट्रॉबेरी मिल्क वाइल शॉपिंग अपने पेरेंट्स के साथ पिया करते थे और मेरे बच्चों का भी वही हैबिट्स हैं काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थी इसी तरह हमें नगर्स नहीं मिले कैनन्स के और जेली वर्ल्ड बड़ी मुश्किल से मैंने मनाहल को यहाँ से हटाया क्योंकि मैं जेली ज़्यादा बच्चों को नहीं खाने देती दे आर वेरी अनहेल्दी और हनी घर में ऑलरेडी था लेकिन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी इसकी डिस्प्ले ऑलिव्स भी मेरे बहुत फेवरेट हैं और मैं ढूंढ रही थी पार्सले मुझे एक डिश बनानी है थ्रू आउट रमादान मैंने पार्सले का बहुत पता किया नहीं मिला तो मुझे एक तरह का सरप्राइज़ मिल गया आगे देखें तो पक जो है वो क्रीम चीज़ है दिस इज़ ऑल्सो माई वेरी फेवरेट सिंस माई चाइल्डहुड आगे से मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है वेदर इट्स अलमराइज क्राफ्ट और वट एवर तो वो भी ले ली फिर आगे जब बढ़ी तो सरप्राइज़ क्या मिला यस पार्सले मिल गया
तो मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं थ्रू आउट रमादान से ऑनलाइन पता कर रही थी, अलफते में पता कर रही थी, कहीं नहीं था अवेलेबल। तो अब मुंह में पानी आने का टाइम है। यस, किंग ऑफ फ्रूट्स मैंगोज। डोनट्स भी शुक्र है मिल गए, बिकॉज़ मैं नाहल लव्स डोनट्स। तो इस तरह से ये अपनी ईदी स्पेंड करती रही, सारी अपनी मर्ज़ी की चीज़ें, जैसे हम लोग छोटे होते अपनी मर्ज़ी की चीज़ें लिया करते थे कुवैत में। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि जिस तरह से हमारा बचपन का एक सिस्टम था, वैसे ही आगे से मेरे बच्चों का गुजर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वेफर्स लवर को मैं रिकमेंड करूँगी, लॉकर ज़रूर खाएं, दे आर वेरी टेस्टी। साथ इस तरह मैं कैंडीज़ का पाउडर ज़रूर लेती हूँ, घर में कोई बच्चे आए तो उनको ज़रूर कैंडीज़ वगैरह देनी चाहिए। तो फेस वॉश मैं ढूंढ रही थी चारकोल का, मेरी भाभी ने रिकमेंड किया था, बिकॉज उन्होंने मुझे ईद के लिए दी थी चारकोल की ब्लीच, एंड दैट वॉज वेरी ज़बरदस्त, बहुत अच्छी थी। तो फेस वॉश भी उन्होंने कहा तुम ज़रूर ट्राई करना, तो मैंने ट्रैवल पैक ही लिया। और यहाँ से मैंने कोई लिपस्टिक्स वगैरह नहीं ली, बिकॉज मेरा सारा स्टॉक कुवैत से आ चुका हुआ था ये इस COVID-19 से पहले। सो स्टिल आई हैव मोर। और यहाँ पे मैं नाहिर कीनली क्या ढूंढ रही है मैं आपको बताती हूँ, रैकेट्स। रैकेट भी नहीं मिले, काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक थी, और इवेंट के प्रोडक्ट्स देख के मुझे अपने बच्चों का छोटे होते का टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। अल्लाह ताला हम सब बच्चों की हिफाज़त करे, इनको अच्छे तरीके से बड़ा करे। और मनाहिल भी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, इसको टॉयज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, सो बुक्स इसको अच्छी लगती हैं, या बैडमिंटन या स्विमिंग, तो इसने कलरिंग बुक भी ले ली। और बाहर बंद होने लग गई लाइट्स और शटर भी डाउन, 7 PM पूरा मॉल बंद हो जाता है। अच्छा है वैसे डिसिप्लिन भी हो गया, लेकिन हम 5 PM आए थे और 7 PM तक हमें सब काम करना था, और बहुत जल्दी जल्दी की। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छा हमारा दिन रहा, मनाहिल वॉज़ हैप्पी, सो वी वर ऑल हैप्पी। तो उम्मीद करती हूँ आपने भी ईदी स्पेंड इंजॉय की होगी। DM करें मुझे इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।